हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय गार्डनिंग चैनल लिटिल गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आज संडे है, अप्रैल की 3 तारीख। आज हम अपने गार्डन का ओवरव्यू आप लोगों से शेयर करेंगे। कैसे चल रहे हैं प्लांट हमारे इतनी गर्मियों में, तो वही आप लोगों से शेयर करेंगे। और आज की वीडियो इस मॉस रोज़ और पर्चुलका के साथ शुरू करेंगे। बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग शुरू हो गई है इनमें, और काफ़ी दिनों से एक दो ऐसे करके हो रही है, किसी किसी दिन ज़्यादा होती है। और अभी ऊपर भी मॉस रोज, पर्चुलका और पर्चुलेन है, उनको भी लाना है। जब से नीचे लाए हैं, शिफ्ट किया है, तब से प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग करके वाटरिंग भी कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। प्लांट सारे खुश रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, तो सारे प्लांट्स अच्छे से चल रहे हैं। ये हमारे पास येलो कलर का नहीं था, तो हम जब लखनऊ से लाए थे सैपलिंग, तो ये भी ले आए थे सैपलिंग। तो इनमें कई कलर हैं, पिंक वाला भी है, ये पिंक है, ऑरेंज है और येलो है। येलो मुझे बहुत ही पसंद था, मेरे पास नहीं था, तो अब इनकी कटिंग जब और बढ़ जाएंगी तो और पिंच कर करके और लगा देंगे और ये भी घना हो जाएगा। तो गर्मी वाले जितने भी प्लांट हैं वो अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और देखिए, इतनी तेज़ धूप में ये कटिंग लगी है और वो चल रही है अच्छे से। और इधर जो सैपलिंग लगाई थी, ये गर्मी वाले हम लाए थे लखनऊ से सैपलिंग कई प्लांट्स के, गुमफ्रेना और जीनिया, ग्लाडिया ये भी, और गर्मियों वाले मैरीगोल्ड, तो वो भी अच्छे से सैपलिंग चल रही हैं और उनमें छोटी छोटी सी बड्स भी आ गई हैं छोटे छोटे प्लांट में। तो मन नहीं करता है अभी बड्स कलियां हटाने का, कि देखें कौन सा कलर है, कैसा है फ्लावर। हमारे पास जीनिया नहीं था, ना ही ग्लाडिया था, और कोलियस था, हम लाए थे एक बार तो वो ख़राब हो गया था। तो कोलियस हम आज लाए हैं, जब बहराइच से अपनी बहन के यहाँ से लाए हैं, मतलब बहन के यहाँ गए थे तो नर्सरी गए थे तो वहाँ से लाए हैं। वीडियो शेयर नहीं कर पाए आप लोगों से। तो 3 प्लांट लाए थे, छोटी सी शॉपिंग की थी। तो गर्मियों में देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से चल रहे हैं गर्मी वाले, समर वाले। ये ड्वार्फ वैरायटी वाला ये एक्जोरा है, कलियाँ भर के आई हुई हैं इनमें भर भर के, और कुछ प्लांट्स थोड़ा इनमें कुछ कमी लग रही है, कलियां थोड़ी काली हो रही हैं किसी किसी ब्रांच पे। तो हमने बहुत ज़्यादा दिन से फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, तो अब हमें देना चाहिए, टाइम नहीं मिल पाता है। और आप लोगों को बहुत मुबारक हो, आज पहला रोज़ा है, तो आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और कितने दिन से हम वीडियो शेयर नहीं कर पाए थे संडे अपडेट वाला, तो आज हमने सोचा लाओ दे दें आप लोगों को, वीडियो शेयर कर दें। और इसमें देखिए बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही खुशबू है फ्रेंड्स। जब इधर आते हैं तो एक ही अगर खिला होता है ये फ्लावर, तो बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, लग जाता है कि फ्लावर खिला है। और हमें इसको पिंच करते रहना चाहिए जो मुरझाए हुए से होते हैं, तो अगर इसको ऐसे कट कर देंगे चाहे हाथ से चाहे सीज़र की मदद से, तो हमें और अच्छी अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी और बड्स आएंगी, कलियाँ आएंगी, न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी पिंच करने से, कटिंग करने से। तो ये मुरझाते हैं जो, स्पेंड हो जाते हैं फ्लावर, इनको कट कर देना चाहिए। तो बेले में फ्लावरिंग होने लगी है अच्छे से, और मॉर्निंग ग्लोरी भी खिली हुई है। और सुबह ही देखिए कितनी तेज़ धूप हो गई है फ्रेंड्स। घर के काम कर रहे थे कि पहले कर लें तब इधर आए, नहीं तो देर हो जाती है घर के काम में, इनमें लग जाओ तो सब भूल जाते हैं हम। इतना हमको पसंद है पेड़ पौधों को देखभाल करना, पानी देना, तो इसमें बहुत ही खुशबू आ जाती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें। तो अगर इसको तोड़ के अपने कमरे में बेड पर रख दो, बेड पर, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती रहती है पूरे कमरे में। और इधर गार्डन में तो जब आते हैं तो अगर एक खिलता है तब भी बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। और ये सीड पॉट बन रहा है फ्रेंड्स, ये मैच्योर हो जाएगा तो इसको हम लगा देंगे, तो और प्लांट हमारे मॉर्निंग ग्लोरी के तैयार हो जाएंगे। ये सीड पॉट है, इसमें सीड होते हैं, 4 सीड होते हैं एक सीड पॉट में, काले काले से। और ये फ्रेंड्स हम जो सैपलिंग लाए थे तो वही अच्छे से चल रहे हैं, और काफ़ी सारे ख़राब भी हो गए हैं क्योंकि हमने रात में लगाए नहीं थे। जब हम आए थे तो हमारी तबीयत सही नहीं थी, थके हुए थे, तो सुबह लगाया था। और ये देखिए गुमफ्रेना है फ्रेंड, कलर कितना प्यारा आ रहा है निकल के, गुमफ्रेना फ्लावर बहुत अच्छा रहता है समर का। और ये जीनिया है, और कई प्लांट्स मर भी गए हैं, और ये मिर्च भी लगा दिए थे जब खाली हो गए थे, मर गए थे छोटे छोटे सैपलिंग। और वो ग्लाडिया है,
गलार्डिया बहुत ही खूबसूरत होता है फ्लावर, हमारे गार्डन में नहीं थे ये सब। और ये बीज लगाए थे वेजिटेबल्स के समर वाली, तो वो अच्छे से निकल रही हैं, अभी 8-10 दिन हुए हैं। और ये हमने शॉपिंग की थी कुछ, हम गए थे बहराइच तो कुछ प्लांट लाए थे, थोड़े बहुत 2-3 प्लांट। तो ये कोलियस नहीं था मेरे गार्डन में, वो लाए थे, इससे पहले था लेकिन वो मर गया था। और ये विंका लाए थे, और ये कटिंग भी लाए थे, और वो कोचिया प्लांट लाए थे, ये कनेर की कटिंग है। और ये जो रोड साइड में होता है लेंटाना, बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो हमने अपने बेटे से कहा कि हमें लेना है, रोक दो, बहुत ज़्यादा जिद की तब रोका, रोकता नहीं है जल्दी कहीं रास्ते में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये कलर येलो वाला लेंटाना है। और ये हमने जो रिपोर्ट किया था ग्रो बैग्स में लगाया था, वो मिर्च के प्लांट अच्छे से चल रहे हैं। और ये जो कटिंग लगाई थी पुदीने की, तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से, जल्दी से लग गई है, और ग्रोथ भी हो रही है न्यू। और ये कटिंग हमारी मिर्ची वाला गुड़हल है, वो भी लग गई है, जितनी भी कटिंग लगाई थी 1-2 ख़राब हुई हैं, बाकी लग गई हैं। और इधर कटिंग हमारी होती है, सारी कटिंग इधर ही रखते हैं, अच्छे से लग जाती है। देखिए ये चाइनीज़ ऑयलेट कितना अच्छा, कितना प्यारा खिल रहा है। और ये मिर्ची कटिंग है, मिर्ची गुड़हल की कटिंग है, बहुत ही अच्छे से चल रही है। और ये ख़राब हो गया था विंटर की बारिश में, टिकोमा का प्लांट है, मेरे भाई ने गिफ्ट किया था, तो ये फिर से इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, एकदम ही मर गया था। तो इसमें फिर से न्यू ग्रोथ आई और ये बड़ा से हो गया, इसमें थोड़ी सी DAP भी डाल दिया जब इसमें ग्रोथ देखी, तो फिर से चल गया, बहुत ही खुशी हुई हमको। हमें निकालना नहीं चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। और ये फ्रेंड्स आपको चिड़िया दिखाने जा रहे थे, उसके बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं, तो हम कोशिश कर रहे थे आपको दिखाने की। फिर इधर आप देखिए फ्रेंड्स, मिर्च कितने अच्छे से इसमें लगी है, प्लांट में ढेरों मिर्चें लगी हुई हैं, छोटी छोटी सी भी बन रही हैं, और फ्लावरिंग भी हो रही है। मिर्च का प्लांट बहुत माशाल्लाह बड़ा हो गया है, और बहुत ही हेल्दी है, और मिर्च ढेर सारी लगी हुई हैं। 2 प्लांट हैं यहाँ पे, इसमें खड़ी हुई सारी मिर्च ऊपर की तरफ खड़ी हुई हैं, और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हुई है। इसमें जो गोट मैन्यूर डाला है इसमें क्यारी में, इसी में डाल देते हैं, तो बहुत ही अच्छी हेल्दी है सारी प्लांट सारे। और इधर से आपको बुलबुल के बच्चे दिखाने की कोशिश कर रहे थे हम, फिर अचानक से बुलबुल आ गई और हम डर के भागे। फ्रेंड देखिए कितना अच्छा लग रहा है, वही आपको दिखाने जा रहे थे, और बहुत ही तेज़ उड़ के पता नहीं किधर से आ गई, हम एकदम से दौड़े, बहुत डर गई थी मैं, पता नहीं कहाँ से आ गई एकदम से, और यहाँ बैठ गई है आके, तो डर के मारे अब हम नहीं जाते हैं उसके पास, आप लोगों को दिखाने गए थे सिर्फ। तो बच्चे ऐसे मुँह फैलाते हैं, और ये यहाँ बैठ गई है आके, फिर दोबारा हमला नहीं किया, रुक गई, वरना बहुत डर गए थे हम, एकदम से भागे थे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी वीडियो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे जो न्यू हैं फ्रेंड्स, वो हमारे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करना ना भूलें आप लोग, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें आप लोग, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सकें, आप तक पहुँचे। और फ्रेंड्स ये मधुमालती देखिए, और ये गुड़हल का प्लांट हमारे जो आगे साइड में है, फ्रंट हमारा जो छोटा सा गार्डन है, तो क्यारी में लगा हुआ है, कितना अच्छा है, देखिए ये गुड़हल का प्लांट कितना हेल्दी है, बहुत ढेरों कलियाँ इनमें हैं, और ढेरों फ्लावरिंग रोज होती है। और गुड़हल का प्लांट आप लोग जानते ही हैं, एक दिन रुकता है फिर गिर जाता है। और ये मधुमालती बहुत ही प्यारा लग रहा है, और नीचे तक सारी कलियाँ भरी पड़ी हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांचेस हैं, और बहुत ज़्यादा घना हो गया है। इनमें भी घोंसला बनाती हैं, बर्ड्स आती हैं छोटी छोटी सी, और कभी कभी बुलबुल भी बनाती है, और कभी छोटी छोटी सी आती हैं, बहुत ही उनमें शाइन होती है, वो चिड़िया बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत इनमें फ्लावरिंग हो रही है, कितनी ब्यूटीफुल से फ्लावर हैं, और गुच्छे में कितने प्यारे, पूरा भरा पड़ा है गुच्छा फ्लावरिंग से। और ये बेला, ये भी क्यारी में है, तो बहुत ही अच्छे से इनमें भी बर्ड्स आने लगी हैं। और ये लता वाला है, ये फैलता है, चढ़ता है, इसको जितना भी कटिंग करते हैं, ये बुशी नहीं होता है, ये फैलने वाला है, तो चढ़ने वाला है ये दीवार पर, तो इनको कट करो तो इनमें देखिए कई कई ब्रांच निकलती हैं, कटिंग करने से ये बुशी होता है, लेकिन ये चढ़ने वाला है, तो इसकी लंबी से चली जाती है ऊपर की तरफ,
तो ये फ्रेंड देखिए छोटे से वेस्ट डब्बे में है, बोतल में, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक वाले में। तो इसमें देखिए कितने छोटे से डब्बे में इतनी ज़्यादा इसमें स्टिक निकली हैं, और छोटे छोटे से नीचे बेबी प्लांट भी हैं, पप हैं इनमें। ये इनको अलग लगाएंगे तो ये छोटे छोटे से प्लांट्स बन जाएंगे। और फ्लावर कितने खूबसूरत हैं वाइट कलर के। ये बहुत ही छोटा से डब्बा है, बोतल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है मधुमालती। और ये हमारा रोज़ भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, फ्लावर छोटे हो गए हैं और फर्टिलाइज़र भी हमने नहीं दिया है। इधर हमने काफ़ी दिन से फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, फिर भी कलियाँ बहुत हैं, सारी ब्रांचेस पे गुच्छों में हैं, लेकिन छोटे छोटे से हो गए हैं, थोड़ा छोटे हो गए हैं। और जब उधर जनवरी में और उधर दिसंबर में बहुत ही बड़े बड़े से इनमें फ्लावर आ रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, शेयर भी किया है आप लोगों से। और इनमें खुशबू भी होती है हल्की सी, और चींटियाँ इनमें देखिए आ गई हैं, चींटे टहल रहे हैं। तो सारी टिप पर कलियाँ हैं, इनमें भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो रही है।